पृथ्वी के अलावा इंसान जब भी किसी और ग्रह पर जीवन की संभावनाओं को खोजने निकलते हैं तो सबसे पहले वहाँ पानी खोजा जाता है, यानी किसी भी जगह पर पानी जीवन की पहली शर्त है। पानी होगा तो वहाँ जीवन पनप सकता है, यानी सब कुछ पानी से शुरू होता है, लेकिन सब कुछ पानी से बर्बाद और ख़त्म भी हो सकता है, और लगता है कि हम इंसान आजकल उसी की तरफ जा रहे हैं। इस पृथ्वी पर जितना भी ताज़ा पानी मौजूद है उसमें से 68% ग्लेशियरों या बर्फ की चोटियों में जमा है। इसका बड़ा हिस्सा पृथ्वी के दोनों ध्रुवों पर मौजूद है, लेकिन यहाँ उत्तरी ध्रुव में आर्कटिक के इलाके में सदियों से जमा बर्फ की चादर दरक रही है। यहाँ हो रहे बदलावों का जायजा लेने के लिए वैज्ञानिक 40 साल से स्वालबार्ड में डेरा जमाए हुए हैं। जलवायु परिवर्तन की वजह से हाल के सालों में यहाँ हालात तेजी से बदले हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि यहाँ जो होगा उससे पूरी दुनिया का भविष्य तय होगा। वैज्ञानिकों ने बर्फ में 125 मीटर की गहराई तक ड्रिल करने का फैसला किया ताकि वहाँ से अपनी रिसर्च के लिए बर्फ के 2 नमूने ले सकें और 300 साल पहले के वातावरण से जुड़े कुछ अहम पहलुओं को जान सकें। इस काम के लिए डोवरे ब्रीन ग्लेशियर को चुना गया क्योंकि ये समुद्र तल से 1100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ की हवा भी कहीं ज्यादा ठंडी है। इसीलिए वैज्ञानिकों को उम्मीद थी कि यहाँ जमीन के नीचे से उन्हें बर्फ के मजबूत और अछूते नमूने मिलेंगे, लेकिन वो उस वक्त हैरान रह गए जब 25 मीटर की गहराई पर ही उन्हें अचानक बड़ा जल भंडार मिला। हमने कभी नहीं सोचा था कि ग्लेशियर से इतना सारा पानी निकल आएगा। ये इस बात का संकेत है कि इस इलाके में क्या हो रहा है। तापमान बढ़ रहा है, ग्लेशियर घट रहे हैं। हम तो हैरान ही रह गए। हमने यहाँ इतने पानी की उम्मीद नहीं की थी इतनी ऊंचाई पर। ये स्वालबार्ड के सबसे ऊंचे ग्लेशियरों में से एक है। हम उत्तरी ध्रुव के करीब हैं क्योंकि 79 डिग्री उत्तर में है। आप हाथ से छू नहीं सकते कि इस ग्रह पर क्या हो रहा है। यह है जलवायु परिवर्तन की सच्चाई। जब वैज्ञानिकों ने पिछली बार 2005 में इस इलाके में ड्रिलिंग की थी तो ग्लेशियर पूरी तरह से जमा हुआ था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आर्कटिक पूरी दुनिया के मुकाबले 4 गुना ज्यादा तेजी से गर्म हो रहा है और स्वालबार्ड का तापमान इससे भी तेजी से बढ़ रहा है, पूरी दुनिया के मुकाबले 7 गुना तेजी से। पिछला साल यहाँ सबसे गर्म साल रहा, जब अगस्त के महीने में तापमान सामान्य से 0.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। साफ तौर पर यह खतरे की निशानी है। जितना ज्यादा तापमान यहाँ बढ़ेगा उतनी ही ज्यादा बर्फ पिघलेगी और उतना ही ज्यादा समंदर का जल स्तर बढ़ेगा और दुनिया के कई इलाकों पर समुद्र में डूबने का खतरा मंडराने लगेगा। पृथ्वी के ध्रुवों पर बर्फ पिघलने से जहां समुद्र का जल स्तर बढ़ता जा रहा है, वहीं दुनिया के कई इलाके पानी को तरस रहे हैं, बंजर हो रहे हैं। खासकर यूरोप में जहां अभी गर्मियां शुरू भी नहीं हुई हैं, लेकिन कई इलाके अभी से सूखे की चपेट में आने लगे हैं। कई नदियों, झीलों और जलाशयों में पानी लगातार कम होता चला जा रहा है। ये आने वाले संकट की आहट नहीं तो और क्या है? सियेरा बोयरा जलाशय दक्षिणी स्पेन में 80,000 लोगों को पीने का पानी मुहैया कराता था। आमतौर पर इसमें जितना पानी रहता है अब उसका सिर्फ 1% पानी ही बचा है और पास के डैम में जो पानी है वो पीने लायक नहीं है। जलवायु परिवर्तन की वजह से अब इस इलाके में गर्मियों का मौसम समय से पहले शुरू हो रहा है और लंबे समय तक टिक रहा है। सूरज की तपिश से पानी भाप बनकर उड़ जाए तो सूखे की आहट दस्तक देने लगती है। बारिश भी इस इलाके में लगातार कम हो रही है। अधिकारी लोगों को पीने का पानी मुहैया करवा रहे हैं, लेकिन चुनौती आने वाले जल संकट से निपटने की है। अप्रैल के महीने में तापमान रिकॉर्ड बना रहा है तो लोग सोच रहे हैं कि जून में क्या होगा। स्पेन के पड़ोसी फ्रांस में भी अधिकारी गर्मियों के विकट मौसम से निपटने की तैयारी कर रहे हैं। उन्हें अंदेशा है कि तेज गर्मी की वजह से इस बार जंगलों में आग लगने की घटनाएं
जल्दी देखने को मिल सकती हैं। वो 1 जून से ही अपने दमकल कर्मियों और आग बुझाने वाले विमानों को तैनात कर देंगे, यानी तय समय से 1 महीना पहले ही। 2022 में फ्रांस में जंगलों में आग लगने की कुल 12,000 घटनाएं हुई थीं, जिनमें 9 घटनाएं बड़ी थीं। उधर इटली की सबसे बड़ी नदी पो भी पानी को तरस रही है। इसमें अब भी उतना ही पानी है जितना पिछली गर्मियों में था। बर्फ के जो मैदान इस नदी को गर्मियों में सूखने से बचाते हैं, वो पहले ही 75% कम हो गए हैं। बर्फ की कमी से इटली की कई और नदियों और झीलों का यही हाल है। उत्तरी इटली में पड़ने वाली गार्दा झील में पानी बीते 70 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। इस झील में पड़ने वाले सान बियाजियो द्वीप तक पहुंचने के लिए पहले लोग नाव का सहारा लेते थे, लेकिन अब झील में पानी घटने से इस द्वीप तक पैदल जाने का रास्ता बन गया है। क्या आपको पता है कि इस पृथ्वी पर अब भी उतना ही पानी है जितना उस वक्त था जब लगभग 4.5 अरब साल पहले हमारा ये ग्रह अस्तित्व में आया? फिर भी हम पानी का संकट झेल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम पानी को प्रदूषित करते हैं, उसका बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं और फिर वो आखिरकार सागर में चला जाता है, खारा हो जाता है, हमारे किसी काम का नहीं बचता। तो क्या करें? पानी की बर्बादी रोकें, खुद भी रोकें और अगर कोई दूसरा ऐसा कर रहा है तो उसे भी रोकें और पानी की अहमियत समझाएं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमेशा की तरह हमें इंतज़ार रहेगा। और जाने से पहले आपके लिए एक सवाल, अगर आप जानते हैं कि ये जो नदी हमारे पीछे बह रही है इसका क्या नाम है, किन किन देशों से होकर ये बहती है, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। अपना ख्याल रखिए, आपसे होगी जल्द मुलाकात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।